नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये आपके क्लास 11th के चैप्टर होंगे, ऑसिलेशन उसके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट बहुत आसान है, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। और फ्रीक्वेंसी को एक और चीज़ लिख सकते हैं, वन अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट हो जाएगी क्या, सेकेंड की पावर माइनस वन या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे। इसमें कहा गया एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM डिपेंड्स ऑन। अब देखिए, जो SHM होता है, आपको पता होगा SHM की कंडीशन क्या होती है, कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के तो प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन निगेटिव होना चाहिए, मतलब वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। तो पहली चीज़ अपॉन इट्स डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट, तो बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड करता ही है। और दूसरा दिया गया क्या, टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। तो देखिए, टाइम पीरियड की बात अगर करी जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड दिया गया, टाइम पीरियड पे भी अगर आप देखेंगे तो डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स भी फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें ओमेगा आ रहा है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पे। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, तो इसमें ए और बी बोथ आर करेक्ट, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कहा गया प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी वाइब्रेटिंग इन SHM इज इक्वल टू। तो देखिए, टाइम पीरियड हमने अभी आपको बताया, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को उधर की ओर भेज देंगे LHS पे, तो आ जाएगा टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो वही चीज़ पूछी गई थी कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, किसका किसका, टाइम प्रोडक्ट, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, कोई बॉडी अगर SHM कर रही है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड। तो देखिए, SHM की कंडीशन यही कहती है कि जो बॉडी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर होना चाहिए, मेन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। तो टुवर्ड्स मेन पोजीशन मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ SHM, तो आपको बताना है यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वॉल्स, गलत है। सेकेंड, पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो बिल्कुल सही है कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो SHM परफॉर्म कर रही होगी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी और भी कोई SHM नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। सिक्स में कहा गया अ स्ट्रेट टनल इज बोर्ड, तो देखिए एक टनल बोरिंग करी गई है अर्थ में अलोंग द डायमीटर, और डायमीटर के अलोंग बोरिंग करी गई है, एंड अ बॉडी इज ड्रॉप्ड इन इट, और बॉडी को उसके अंदर छोड़ा गया। अब बताना है बॉडी का अब क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला कहा गया इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डाउनवर्ड, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट में कहा गया इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड विल कम आउट द टनल विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, तो ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया इट विल कीप ऑन मूविंग टू एंड फ्रो बिटवीन द टू एक्सट्रीमिटी, ये सही है। देखिए, SHM करेगी, जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, SHM करेगी, टू एंड फ्रो क्या करेगी, मूव करेगी दोनों एक्सट्रीमिटीज में। जैसे मान लीजिए यहाँ पूरे में छेद कर दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक में बॉडी क्या करती रहेगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है नो फोर्स इज फाउंड टू बी एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो देखिए कोई फोर्स अगर पार्टिकल पे एक्ट नहीं क्या कर रहा है, ऐसा कहा गया है वाइब्रेटिंग SHM व्हेन इट इज, तो कब ऐसा कंडीशन होगी SHM में, जब बॉडी पे क्या ना लग रहा हो, जब बॉडी पे फोर्स क्या हो, जीरो हो। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, बॉडी पे फोर्स कब जीरो होगा, जब मास जीरो हो, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। यहाँ पर ओमेगा को हम जीरो नहीं कर सकते, क्या जीरो कर सकते हैं, वाई को, और वाई क्या है, वाई होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो मीन पोजीशन पे ये वाई जीरो हो जाएगा तो ए जीरो हो जाएगा, और ए जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो कहाँ पर, मीन पोजीशन पे जो फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्वेश्चन नंबर एट्थ पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM मोशन पासिंग थ्रू मीन पोजीशन हैज, अब देखिए मीन पोजीशन की बात अगर करी जाए, हम बच्चों को जब भी बताते हैं SHM के बारे में तो एक एग्जांपल लेते हैं, और यह है पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में सबसे आसान होता है मीन और एक्सट्रीम पोजीशन को समझना। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है मीन पोजीशन, ये आपकी मीन पोजीशन होती है। अब इस मीन पोजीशन में आपको बताना है क्या होगा, तो देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ये आपको समझ के चलना है।
तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो गलत है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका सही ऑप्शन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस पॉइंट पे, जीरो होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में, कहा गया है मिनिमम होती है। अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग इन SHM, कोई बॉडी है और वो SHM कर रही है, वेयर विल इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स पूछा गया है, तो मैक्सिमम फोर्स आपको पता है फोर्स का फिर से फॉर्मूला अगर देखें तो MA होता है, और A क्या होता है, A जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ओमेगा स्क्वायर वाई को आप मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, तो ओमेगा को तो हम चेंज कर नहीं सकते, वाई को मैक्सिमम कर सकते हैं, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और वाई की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर कब होती है, तो ये होती है एक्सट्रीम पोजिशन पे। कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजिशन पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसका मतलब वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसी वजह से जो फोर्स है ये भी मैक्सिमम कब होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। तो एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटी तो गलत है, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीमिटी होगी उस पर मैक्सिमम होगा, तो एट मीन पोजिशन तो बिल्कुल ही गलत है, एक्जैक्टली बिटवीन एट सम अदर पॉइंट, तो यही सही है, एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटी मतलब एक्सट्रीमिटी पे वो जो होगा फोर्स मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेंथ में देखिए क्या कह रहा है। टेंथ में कहा गया टू साउंड वेव्स आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखिए दो साउंड वेव आपको दी गई और दोनों की इक्वेशंस दी गई है, वाई ये मान लीजिए वाई वन है और ये मान लीजिए वाई टू है। इसमें कहा गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर दिया गया बी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो एंगल आप देख रहे हैं दोनों का सेम है, ये भी ओमेगा टी माइनस के एक्स है और ये भी ओमेगा टी माइनस के एक्स है। एक आपका ग्राफ है साइन थीटा का और दूसरा ग्राफ है कॉस थीटा का। ठीक है, अब दोनों में बताना फेज डिफरेंस क्या होगा। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाई टू का होता है, क्योंकि आपको पता होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हैं, 90 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ पर पाई बाई टू विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ पे आएंगे, इलेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे, इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM, अब देखिए SHM आपको मोशन दिया गया और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है SHM में, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई, तो पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू फाइव साइन, ठीक है, टू पाई बाई फाइव, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए 10t प्लस, क्योंकि टू पाई बाई फाइव बाहर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू पाई बाई फाइव इंटू एक्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। अब देखिए ये जो आपका टर्म है इसको आप इससे इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इससे आप इक्वेट करिए। यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है, ओमेगा की वैल्यू मिल रही है टू पाई बाई फाइव इंटू टेन, तो इसको अगर आप ऐसे काट दे टू जा हो जाएगा फोर पाई, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है, फोर पाई मिल रही है, और ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है टू पाई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर पाई हो जाएगा, ये और ये कट गया, इधर आ गया टू, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, टू हर्ट्ज आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में देखिए क्या कहा गया, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड फाइव एंड पीरियड 0.5 सेकंड। तो देखिए सिंपल सा काम करना है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी आपका फॉर्मूला होता है, ये एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिख दीजिए, फाइव लिख दीजिए, तो हो जाएगा फाइव साइन, अब ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई अपॉन कैपिटल टी, जहाँ पर टी टाइम पीरियड है, इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव साइन, ठीक है, टू पाई तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन टाइम पीरियड की जगह क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, 0.5 को अगर आप इससे कट करेंगे तो फोर आ जाएगा, तो फोर पाई आ जाएगा, तो हो जाएगा फाइव साइन फोर पाई टी, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ट्वेल्थ क्वेश्चन का सही हो जाएगा। थर्टींथ पे आते हैं, थर्टींथ क्वेश्चन में कहा गया है ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में पूछा गया मीन पोजीशन पे क्या होता है, तो हमने मीन पोजीशन पे देखा था अभी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्टींथ में आते हैं, फोर्टींथ में कहा गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए जो y होता है या जो x होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो a साइन ओमेगा t के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर साइन ओमेगा t दिखा रहा है आपको, तो साइन ओमेगा t मतलब a ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM इज मैक्सिमम, अब देखिए आपको बताना है वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है।
अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वाई की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे होती है, इसीलिए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो एट मीन पोजीशन। और अगर मान लिया आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कितनी, तो आपको क्या करना है, वाई को यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ओमेगा होना चाहिए, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ये ओमेगा है, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कहा गया द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखिए टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, टू पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग ने कराया है, आप लोग डेरिवेशन की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार पूछा आता है एग्जाम्स में। तो स्टेशनरी लिफ्ट है, उसका टाइम पीरियड टी है। अब कहा गया लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, अब देखिए जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो जी डैश क्या हो जाता है, तो जी प्लस ए हो जाता है, याद रखिएगा ऊपर जाने पे एडिशन होता है ग्रेविटी का और नीचे आने पे सब्सट्रैक्शन होता है ग्रेविटी में, तो यहाँ पर किस एक्सेलरेशन से आ रही है, जी बाई थ्री से, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी प्लस जी अपॉन थ्री, तो कितना हो जाएगा, फोर जी अपॉन थ्री आ जाएगा ये जी डैश, ठीक। हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है, तो देखिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए टी वन अपॉन टी टू, क्योंकि टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट जी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ जी वन, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए टी वन कितना दिया था, टी दिया था अपॉन टी टू, टी टू ही है, और जी टू की बात अगर करी जाए मतलब ये जी डैश है, तो इसको होल रूट आप ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर जी अपॉन थ्री, और यहाँ पर जी वन है, जी वन की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो अब देखिए क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ फोर अपॉन थ्री आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, टी अपॉन टी टू आ गया। तो यहाँ से अगर आप टी टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो टी टू मतलब टाइम पीरियड दूसरा जो आ जाएगा, जो आपसे पूछा गया है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो रूट थ्री अपॉन टू इंटू टी आ जाएगा, तो रूट थ्री बाई टी टू मतलब रूट थ्री बाई टू इंटू टी आ जाएगा, ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो 16th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या है, रूट थ्री बाई टू, मतलब इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17th देखते हैं, 17th क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, फॉर स्पीड वी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, तो व्हेन वी इज जीरो इज जीरो, गलत है, वी इज मैक्सिमम, देखिए ये बिल्कुल सही है, जब वी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, मेनली अगर आप देखेंगे तो ये मीन पोजीशन पे होता है, कहाँ पर होता है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया इफ SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपको SHM दिया गया इस तरीके का, आपसे टाइम पीरियड पूछा गया, देखिए बहुत आसान है। अब पहले समझिए इस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन, प्लस ये जो ए एक्स है, यहाँ पर ए जो है कांस्टेंट है, याद रखिएगा ए जो आला है कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को मान लीजिए यहाँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दें, मान लीजिए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कैपिटल ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स आ जाएगा, और आपको पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। टाइम पीरियड पूछा गया था, तो आप क्या करिए, इस माइनस ए को माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, माइनस ए के, ये और ये कट गया, टाइम पीरियड चाहिए था, तो ओमेगा को आप लिख दीजिए टू पाई बाई टी का, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसमें भी होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो बना देगा टू पाई बाई टी, और ये बना देगा अंडर रूट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे तो टाइम पीरियड को नीचे भेज दीजिए, रूट ए को नीचे भेज दीजिए, ऊपर भेज के, ठीक है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई अपॉन रूट ए आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ये जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19th पे आते हैं, 19th क्वेश्चन में कहा गया पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद अ टाइम पीरियड 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड आपको 2 सेकेंड दे दिया, एम्पलीट्यूड 12 सेंटीमीटर दे दिया, मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है, तो वी मैक्स का भी आपको हमने फॉर्मूला बताया था, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू वाई, ओमेगा इंटू ए, ठीक है, ओमेगा इंटू ए होता है, ठीक है। ओमेगा देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है, तो ओमेगा की जगह आप लिख दीजिए टू पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 12, ये हो जाएगा 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये और ये कट गया,
कितना आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, तो 12 पाई आ जाएगा आंसर। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20th पे आते हैं, 20वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन SHM पासिंग थ्रू द एक्सट्रीम पोजिशन विल हैव, तो देखिए एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सट्रीम देखिए एक्सट्रीम पोजिशन पूछी गई, एक्सट्रीम पोजिशन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो एक्सट्रीम पोजिशन मतलब सबसे ऊपर वाली, ठीक है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, एक्सट्रीम पोजिशन पूछा गया, मीन नहीं पूछा गया है। मीन होता तो उल्टा होता, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 21st में कह रहा है द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ SHM इज ई। अब देखिए टोटल एनर्जी की बात करिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है और इसको रिप्रेजेंट किया गया किससे, ई से। काइनेटिक एनर्जी एट हाफ, अब देखिए आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब वी की जगह आप क्या रख देंगे, हाफ एम इंटू वी की जगह रख देंगे ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है। कहा गया हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजिशन, मतलब वाई इसमें क्यों क्या दिया गया, वाई जो है वो ए अपॉन टू के बराबर है, तो अगर वाई को ए अपॉन टू यहाँ पुट किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा और वाई की वाई स्क्वायर गया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब देखिए बहुत ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो आपसे पूछी गई कि टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी दी गई थी, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो आ ही रहा है ना, इसका मतलब ई तो यहाँ पर आ ही रहा है, तो ई के साथ साथ और क्या आ रहा है, थ्री बाई फोर, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी थ्री बाई फोर ई के बराबर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन में कहा गया पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM। अब देखिए एक पार्टिकल है जो SHM में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन आपको दी गई 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस दी गई है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, इट्स टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, ठीक है, पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन दिया था 16 और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर ही लिख दीजिए और आर क्या लिख दीजिए, 4, इसको काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, तो मतलब 4 हो जाएगा, 4 जा 16, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि अंडर रूट हो जाएगा। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड पूछा गया, तो 2 पाई बाई टी जो होगा वो ओमेगा होता है और इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 2 से, इसको काट दीजिए, टाइम ऊपर दे दिए, टाइम की वैल्यू क्या आ गई, पाई बराबर आ गई, तो 3.142 सेकंड, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, आपसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है क्या होगा, तो पहले आपको फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर काट दीजिए। अब एक चीज और दी गई है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब वाई की वैल्यू क्या दी गई है, ए अपॉन 3 दी गई है इस कंडीशन में, तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 9 आप रख देंगे, अपॉन ए स्क्वायर तो एज इट इज उतर जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 9 उतर जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 9 एज इट इज रहेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 8 ए स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा, तो ये और ये तो कट गया, ए स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/8 आ गया, तो आंसर है 1:8, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 24th पे आते हैं, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एम्पलीट्यूड आर, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया मैक्सिमम कब होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है। अब जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और y की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, एम्पलीट्यूड के बराबर, और एम्पलीट्यूड आपको क्या दिया गया है, r दिया गया है, तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कब होगी, जब y की वैल्यू किसके बराबर होगी, r के बराबर, तो यहाँ पर a ऑप्शन इसलिए क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25th में कह रहा है इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM। ये देखिए इक्वेशन दी गई है 2y = 8 sin ओमेगा t।
आपसे एम्पलीट्यूड पूछा गया, तो क्या करिए इसको ऐसे कट कर दीजिए, 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी आ गया। अब आपको पता है ये जो होता है a साइन ओमेगा टी, यही एम्पलीट्यूड होता है, तो 4 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, इसमें कहा गया पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड दे दिया, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। तो आपको बताना है कब एनर्जी हाफ पोटेंशियल होगी और आधी काइनेटिक होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कब इक्वल होगी। ठीक है, मेनली ये पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और क्या होता है वाई स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा टू वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, और a कितना है 4 है एम्पलीट्यूड, तो 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, तो रूट 2 नीचे अप्लाई किया, रूट 2 ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 2 जा 4, तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा, तो 2√2 मतलब इसमें डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, इसमें कहा गया इफ SHM हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर एंड एक्सेलरेशन इतना है। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करिए ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर वाई, डिस्प्लेसमेंट दिया 0.02 और ओमेगा हम लोग को निकालना है, तो एक्सेलरेशन की जगह हमने 2 पुट किया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और आर जो है हमारे पास क्या है 0.02 है, इसको हटाइए 100 बढ़ाइए नीचे, 2 और 2 काटिए इधर 1 कर दीजिए, 100 ऊपर भेज दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, ओमेगा आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड आ गया। निकालना क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो यही आपकी एंगुलर या वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं एंगुलर वेलोसिटी है, तो 10 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, इसमें कहा गया बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई 1/4 ऑफ टोटल, तो 1/4 इनटू टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ए अपॉन 2, अंडर रूट कर दिए दोनों तरफ ए अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये पूछा गया था आपसे कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पूछी गई थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए ए बाई 2, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर देखिए, कठिन क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, आसान नहीं रहते हैं, फॉर्मुला बेस्ड रहते हैं। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, तो आपको ग्राफ बताना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो याद रखिएगा इलिप्टिकल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया फॉर सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन एल एंड टी, तो देखिए फॉर्मुला हमको पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मुला क्या होता है 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। अभी आपको पता होगा कि एक की डिग्री अगर 2 है, दूसरे की डिग्री अगर 1 है, तो इक्वेशन कैसकी होती है, पैराबोलिक की इक्वेशन होती है, मतलब ग्राफ जो बनेगा एल और टी के बीच में वो पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट, तो देखिए के की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी है 2×10⁶ न्यूटन पर मीटर है, और एम्पलीट्यूड आपको कितना दे दिया गया है, मतलब एक्स दे दिया है 0.01 मीटर दे दिया है, मैकेनिकल एनर्जी 160 दी गई है, और पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी, तो पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्मूला आप सीधे रखिए हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स आपको दिया ही हुआ है, के आपको दिया ही हुआ है, फॉर्मूला पुट कर यहाँ से निकाले, तो हाफ इंटू के कितना हो जाएगा 2×10⁶ हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर कर दिया तो 0.01×0.01, ठीक है, ये और ये कट गया, तो 10⁶ ये रहा, और इसको अगर आप देखेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 100 आ गया, तो 100 जूल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आखिरी के दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, नहीं यही आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 एट अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टी, ठीक है, लेंथ 1 होगा, लेंथ एल होगा, तो देखिए आपको बताना है जहां पे ग्रेविटी 1.02g होगी वहां पर आपका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है 2π अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, इसको ऐसे आप लिखिए कि t1 अपॉन t2 बराबर अंडर रूट ऑफ g2 अपॉन g1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, t1 आपको दिया गया कितना है t है, ठीक है,
और टी टू कितना दिया गया, इसको टी टू ही मान लीजिए, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टू। अब जी टू मतलब ग्रेविटी दूसरी कितनी है, तो 1.02 है, ठीक है, 1.02 जी अपॉन जी वन कितना है, जी है, ये कट जाएगा। तो यहाँ से टी टू की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ठीक है, आपको क्या निकालना है, टी टू ही तो आपको निकालना है, तो टी टू क्या आ जाएगा, टी अपॉन 1.02 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 0.99 कैपिटल टी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1.02 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.01 होता है, और अगर 1 को 1.01 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 ही आएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप ठीक से रिवाइज करिएगा और अच्छे से इसका आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लीजिएगा जो जो यूज़ किए गए, ऐसे ही एमसीक्यूज आपके कॉम्पिटिशन्स में और स्कूल के एग्जाम्स में और जो भी आप कॉम्पिटिशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे पूछे जरूर जाएंगे ऑसिलेशन से रिलेटेड। तो आज के फिलहाल इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।